हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइज 6.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 3 इवेल्युएट करने के लिए कर रहा है। इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट में दिया हुआ है और इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट ले लेते हैं 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12। तो इसका वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो दो तरीके से, एक तो प्रॉपर्टीज के बेस पे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी एक्सपेंड करके बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी पे देखो क्या करना होगा, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2, ये सब प्रॉपर्टीज अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के बाद। तो अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो एक्सपेंड करके ही बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने वाला हूँ, 15, 20, ये दोनों ऐड करेंगे तो 12, फिर सेकेंड रो है आपका 13, 17, 5, 15, 20, 12। यहाँ देखिए दो रॉ सेम हो जा रहे हैं, इसके टू रॉ सेम है। तो हम लोग आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि इफ टू रॉज और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इक्वल, देन द डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू जीरो हो गया, देयर फॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके स्क्वायर का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका भी जीरो ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करके बनाता तो देखो क्या होता, हमारे पास जो ऊपर हम लोग यहाँ पे लिए हैं दूसरा मेथड हम उससे बता रहे हैं, 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। 2 लेंगे, ये रहो ये कॉलम हटा देंगे, इन सब का डिटर्मिनेंट 17, 5, 20, 12 -3, ये लेंगे, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 13, 5, 15, 12 प्लस का 7, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 13, 17, 15, 20। आगे सॉल्व करते हैं, 17 में इंटू कर देंगे 12 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 204 माइनस यहाँ पे 100, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, -3। अच्छा अब यहाँ पे देखो 13 में आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे ही ना होगा 13 × 12। चलिए तो क्या हो जाएगा 13 में 12 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ आ जाएगा 156 ना, और माइनस का इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 260 मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 20 से, तो ठीक है 260 और माइनस 15 में इंटू कर देना है 17 से, ये ना हो जाएगा तो 255, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 में यहाँ पर हो जाएगा 104, 3 में यहाँ पे हो जाएगा कितना, 156 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 75 को, तो आ जाएगा 81, ठीक है प्लस 7 और इनटू में यहाँ पर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 208 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 243, ठीक है, और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा आपका 35, इसको और इसको ऐड कर देंगे 243, ये 243 जीरो आ जाएगा। तो जब इसका वैल्यू जीरो आ गया तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं 237, यहाँ क्या था जी आपका 13, 17, 5, 15, 20, 12 का स्क्वायर जो होगा जीरो का स्क्वायर है, नहीं जीरो हो जाएगा, समझ गए क्वेश्चन।